कोई लकड़ी लो मोल गगन चिल्लाता, सूखी लकड़ी का मोल पवन रोगाता, धरती आकुल सिसकी भर भर रोती, आंचल हरियाली का गीला हो जाता, कोई कर लेता तोल सूखी लकड़ी का मोल, कोई लकड़ी लो मोल सूखी लकड़ी लो मोल। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रधाननामा और हमारा आज का विशेषांक समर्पित है साहित्यकार स्वर्गीय पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी जी पर। 14 मार्च 1909 को करेली में जन्मे पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी जी का कर्म क्षेत्र सागर रहा है। आप एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कवि, लेखक, पत्रकार, सांसद एवं विधायक रहे हैं। आपके लेखन में राष्ट्रवादिता की गहरी अनुभूति मिलती है। ज्योतिषी जी ने प्रवासी, अंतरध्वनि, पूजा के फूल, पांचजन्य, कलरव इत्यादि काव्य ग्रंथों की रचना की तथा कृष्णचरित्र, अंतिम ओज, अजेय भारत और अछूत इत्यादि आपके प्रमुख प्रकाशित नाटक हैं। आपने अपने विद्यार्थी जीवन से ही तरंग नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। एक बहुआयामी व्यक्तित्व पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी जी को प्रधाननामा सादर नमन करता है। आइए उनके जन्म दिवस पर सुनते हैं उनकी कालजयी रचना लकड़ी वाली, उनकी विरासत को ईमानदारी से संभालने वाले उनके पौत्र कवि आशीष ज्योतिषी जी की आवाज में। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष ज्योतिषी आज आपके सामने लेकर आया हूँ पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी जी की एक कालजयी रचना लकड़ी वाली। कोई लकड़ी लो मोल सूखी लकड़ी लो मोल, कोई लकड़ी लो मोल सूखी लकड़ी लो मोल, मुरझाए मुख पर जर्जर अंचल डाले, जो तो माथे पर अपना बोझ संभाले, तुम गिरती पड़ती ऊबड़ खाबड़ पथ पर, रोती सी क्या चिल्लाती जाती वाले, कोई लकड़ी लो मोल सूखी लकड़ी लो मोल, कोई लकड़ी लो मोल गगन चिल्लाता, सूखी लकड़ी का मोल पवन रोगाता, धरती आकुल सिसकी भर भर रोती, आंचल हरियाली का गीला हो जाता, कोई कर लेता तोल सूखी लकड़ी का मोल, कोई लकड़ी लो मोल सूखी लकड़ी लो मोल। दो नन्हे बच्चे मानो बन के छोने, दो नन्हे बच्चे मानो बन के छोने, आंसू से भीगे जिनके द्रक के कोने, तुतला कर कहते कोई लकड़ी ले लो, तुतला कर कहते कोई लकड़ी ले लो, जिस सुनकर जिसको पत्थर भी लगते रोने, ऐसे करुणा के बोल सूखी लकड़ी लो मोल, ऐसे करुणा के बोल सूखी लकड़ी लो मोल, कितने दिन से इनको ना मिले दो दाने, कितने दिन से इनको ना मिले दो दाने, हम कब इनकी जी की पीड़ा को पहचाने, उफ कितना निष्ठुर रे कवि इस कंदन से, उफ कितना निष्ठुर रे कवि इस कंदन से, तू बैठा है खुद अपनी कविता सजाने, तू बैठा है खुद अपने गीत सजाने, खारे आंसू का घोल सूखी लकड़ी का मोल, कितने दिन इनको बीते रोते रोते, नगरों के पथ आंसू से धोते धोते, बारिश की रिमझिम रिमझिम रातें ये सड़कों के, बाजू में पत्थर बांध पेट से सोते, सपनों में उठे बोल कोई लकड़ी लो मोल, सपनों में उठे बोल कोई लकड़ी लो मोल, यह जग कीमत बोलो किस मह से पूछे, यह जग कीमत बोलो किस मह से पूछे, करुणा के सारे कलश पड़े हैं छूछे, ये मानवता की ही समाधियां समझो, दिखते हैं जो प्रसाद गगन को छूते, यह लकड़ी सखे या तोल कैसे हो इसका मोल, कोई लकड़ी लो मोल सूखी लकड़ी लो मोल, क्या कीमत होगी मानव के प्राणों की, क्या कीमत होगी मानव के प्राणों की, क्या कीमत उनके मसले अरमानों की, दे कोई देखे क्या कीमत देता है, दे कोई देखे क्या कीमत देता है, इन बच्चों की उन खोई मुस्कानों की, कोई लकड़ी ले मोल सूखी लकड़ी ले मोल, जिसके बिलास की वेदी का है ईंधन, जिसके बिलास की वेदी का है ईंधन, बेबस मानव का यह नन्हा सा जीवन, उस मानव की लिप्सा से पूछे कोई, किस मोल खरीदेगी कंगालों का बन,
ये ईंधन खड़ा तोल कटे तो कोई मोल, ये ईंधन खड़ा तोल खरीदे तो कोई मोल। यह महानाश की छाया सी चिल्लाती, निज स्वर से पत्थर का भी जी दहलाती। हो गई कहीं ओझल है लेकिन अब भी, मेरे प्राणों से प्रतिध्वनि है टकराती। कोई तो ले लो मोल ये सूखी लकड़ी मोल, कोई तो ले ले मोल पवन गगन चिल्लाता। कोई तो ले लो मोल पवन रोगाता, कोई तो ले लो मोल मेदनी कहती। और जाने क्यों मेरा जी भराता, लो मैं भी उठा बोल सूखी लकड़ी लो मोल। लो मैं भी उठा बोल सूखी लकड़ी लो मोल, सूखी लकड़ी लो मोल। यह कविता पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी की पुस्तक कलरव में प्रकाशित लकड़ी वाली को मैंने आपके सामने वाचन किया। यदि आपको यह कविता पसंद आई है तो इसको कृपया लाइक करना ना भूलें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपने मुझे सुना, इस कविता को सुना, सराहा, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।